आज हम बनाने वाले हैं जलेबियाँ। तो देखिए, हम जलेबी की सामग्री देख लेते हैं। ये मैंने घर का दही ले लिया है, ये खट्टा वाला दही है, अच्छा चाहिए वो खट्टा। ये मेरी मैदा है, ये मेरी चीनी है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम 6 से 7 चम्मच हम अपना दही मैदा ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने, क्योंकि हम कम ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, मैंने 7 चम्मच ये मैदा ले ली है। ये मेरा घर का दही है, हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे। देखिए कितना अच्छा दही है, ये मेरा घर का बना हुआ दही है। इस तरह से डाल लेते हैं, खट्टा ही दही चाहिए हमको। ये 4 चम्मच मेरा दही हो गया है। थोड़ा सा इसका पानी डाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से मिक्सर से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे इसमें, इस तरह से। ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, आराम से डालेंगे, धीरे धीरे धीमे डालेंगे उसको। एक ही तरफ से हम घुमाएंगे, इस तरह से मिलाते जाएंगे, इस तरह से मिलाते जाएंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पानी हमें ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा अच्छा सा चाहिए हमें बैटर। इसके लिए इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। चलिए तो चलिए, मैंने इस तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें अपनी, हम इसे इनो से बनाएंगे आज। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डालेंगे, आज हम इसमें इनो मिक्स करेंगे। चलिए देखिए इस तरह से मेरा हो गया है। इसी तरह का चाहिए हमें, इससे बहुत अच्छी जलेबियाँ बनती हैं। देखिए इस तरह से, चलिए हमें इनो मिला लेते हैं। देखिए तो मैंने इनो का एक पैक ले लिया, इससे हम आधा ही डालेंगे, पूरा हमें नहीं डालना है, क्योंकि हम बस देखिए इस तरह से डाल लिया है। थोड़ा सा इसे एक्टिवेट करने के लिए हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा इस तरह से। देखिए एक्टिवेट हो गया है, इसको भी मिक्स कर देते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से फेंट लेंगे, तो जलेबी हमारी बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनेगी। देखिए तो लगातार फेंटते रहेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, इस तरह से फेंटेंगे। चलिए मेरे फट चुका है, इसको हम 5 से 10 मिनट के रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पॉलीथीन से। तो ये मैंने रिफाइंड तेल की पॉलीथीन ले ली, आप कोई भी दूध वाला पैकेट भी ले सकते हैं। और ये मैंने रिफाइंड की ले ली है। देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया आधा, उसको आधा ही लगेगा, छोटा सा मैं इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब हम चलिए चाशनी बनने के लिए रख देते हैं अपनी। मैंने अपनी ये चीनी रख दी है, चीनी में हम डालेंगे पानी। हमें देखिए इस तरह से मैं आपको रख देती हूँ चाशनी बनने के लिए। इस तरह से मैंने अपनी ये चीनी घुलने के लिए रख दी, उसमें हम डाल देंगे अपनी ये इलायची। देखिए इस तरह से भी डाल सकते हैं, इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह डाली है, इसको चलाते हुए पका लेंगे। इस तरह से हम चलाएंगे और इसको पका लेते हैं। उधर हमारी चाशनी बन रही है, उधर हम दूसरी अपनी तैयारी कर लेते हैं। मैंने रिफाइंड तेल का पैकेट ले लिया, उसी में हम अपना ये सारा बैटर डाल देते हैं अच्छे से। ये मेरा थोड़ा सा फैलने लगा था, इसलिए मैंने इसे कर लिया है। आप सावधानी से डालिएगा, इस तरह से डाल देते हैं। चलिए इस तरह से मेरी चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है, इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इसी तरह से। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम बनाएंगे जलेबी। तो चलिए इसको 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं इसी तरह से, चलाते हुए। अच्छा फुला रहा है, देखिए इस तरह से। ये मैंने तेल अपना गर्म होने के लिए रख दिया है, इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जलेबी का। चलिए इस तरह से मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, आप चाहें डालें, आप चाहें ना डालें, मैंने टेस्ट के लिए डाला है। चलिए लगभग हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए इस तरह से बन रही है। तो चलिए अपनी जलेबियाँ बनाना शुरू करते हैं। चलिए बंद कर देते हैं गैस को, अपना पैकेट ले लिया है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, तो हल्का सा कट लगाएंगे, हम पतली जलेबियाँ बनाने वाले हैं आज। देखिए इस तरह से मैंने कट लगा लिया है, बस हम अपनी छोटी छोटी जलेबियाँ बना लेते हैं इस तरह से। देखिए ये भी हमारा अच्छा गर्म है, देखिए इस तरह से बनाएंगे हल्की हल्की छोटी छोटी जलेबियाँ इस तरह से। तेल को मीडियम गर्म ही रखना है, पहले हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, क्योंकि हमारा हाथ जल सकता है। देखिए इस तरह से मेरी सारी जलेबियाँ सेक लेती हूँ मैं, देखिए बची हुई जगह पर भी सेक लेती हूँ इस तरह से। छोटी छोटी बना लेंगे, छोटी जलेबियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। चलिए इनको सेकने देते हैं। मैं अपनी जलेबियों को कांटे वाली चम्मच से पलट लेती हूँ। ये बहुत पतली पतली बनी है, बच्चों को चाहिए थी पतली वाली, तो मैंने बनाई है। आप चाहें तो इनसे थोड़ी मोटी भी बना सकते हैं, थोड़ा और कट लगा दीजिएगा उसमें तो अच्छी से बन जाएंगी। ये मेरी काफ़ी पतली है, देखिए कितनी छोटी लग रही है ना, कितनी प्यारी क्यूट लग रही है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, कितनी बढ़िया लग रही है, देखिए इस तरह से। तो बना लेते हैं सारी जलेबियों को। मैं इस तरह से जलेबियों को निकाल लेती हूँ उसमें, उनको हल्का सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसको चाशनी में डिप करेंगे। इस तरह से हम निकाल लेते हैं मैंने। तो देखिए ये थोड़ा मैंने मोटा कट लगाया है, तो इसमें हम थोड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी जलेबियाँ बनाएंगे। वो पतली पतली थी, ये थोड़ी मोटी मोटी बना रहे हैं, देखिए इस तरह से।
आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहती है बनाने का। पलट देते हैं आराम से, धीमे धीमे से, धीमे तरह से कितनी अच्छी पलट रही है। ये भी सारी बहुत अच्छी लग रही है, जैसे बहुत अच्छी लग रही है। जैसे ये भी हमको थोड़ा मोटा सेब आ गया है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है मेरे ख्याल से। वो बच्चों की फरमाइश पर थी, ये ऐसे ही बनाई हमने। देखिए इस तरह से इनको तला लेते हैं सारी जलेबियों को। चलिए इस तरह से देखिए, मैंने इनको चाशनी में डाल दी है। इनको जलेबी को मैं निकाल लेती हूँ, छोटी वाली जलेबी को, पतली वाली जलेबी को निकाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, देखते हैं कैसी बनी है। तो बहुत काफ़ी पतली है तो छोटी दिख रही हैं। हम इसको थोड़ा वो वाली डालेंगे तो देखते हैं कैसा आता है सेवन का। देखिए इस तरह से मैंने बना ली है जलेबियाँ मेरी, सीख चुकी हूँ मैं। इनको निकाल लेते हैं इस तरह से। चलिए एक बैच और सेक लेते हैं इस तरह से। इस तरह से डालेंगे, तेल मेरा थोड़ा गर्म हो गया था तो उसमें जल्दी से आ रही हूँ ऊपर। जैसे कोई बात नहीं, हमारा हमने कैमरे पर लो कर रखा है तो अच्छे से बन जाएंगे। जलेबियाँ अपनी चाशनी में डिप कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, पलटते पलटते हुए धीमे से करेंगे कि टूटे ना हमें। तो देखिए मेरी सारी जलेबियाँ बन के तैयार हैं। देखिए इस तरह से मैंने बनाई हैं। देखिए ये मेरी पतली वाली, मेरे बच्चों को कहने पे मैंने थोड़ी सी ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी पर्सनली। तो देखिए किस तरह से मेरी सारी जलेबियाँ बन चुकी हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप दही के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ आप खाएँ, चाय के साथ, बिस्किट के साथ, नमकीन के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ये मैंने घर में बनाई है। आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने सोचा बच्चों को कुछ मीठा खिलाते हैं, तो इसलिए मैंने जलेबियाँ बनाई हैं। तो आप इसी तरह से बनाइए, खिलाइए। और मेरे वीडियो किसी भी तरह से आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग।